और आप सभी लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि कृपया अपने अपने घरों में गोबर गैस प्लांट जरूर लगवाएं, उससे आप घर में ही ऑर्गेनिक गैस पैदा कर सकते हैं। हमने गैस और ऑयल इसके वेस्टेज के बारे में जो नुक्कड़ नाटक देखा, जिसकी बहुत ज़रूरत है। हम नुक्कड़ नाटक देखते हैं, कहीं कहीं फ्लैश मॉब वगैरह देखते हैं, लेकिन उनका प्रेजेंट करने का तरीका, विषय का तरीका अलग अलग रहता है। मेरा लिट हो रहा है, कब डार्क में चला गया, कब मैं अपने को एक्टर को ब्लॉक कर रहा हूँ, कब नहीं कर रहा हूँ, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं हमें स्टीयरिंग भी संभालना है, ब्रेक भी है, क्लच भी, एक्सेलरेट भी करना है, और मिरर्स भी हैं। कितने, तीन शीशे होते हैं, तीन मिरर्स में हम लोग देखते हैं। शुरू में मेरे को जो बताया गाड़ी सीखने के लिए गया, तो जब आपने बोला कि अपने किसी जानने वाले का फेस देखो इस पे, तो मैंने कोशिश की, मैंने हर जगह से एंगल से देखने की, आंखें बनाऊं, कुछ बनाऊं, बन नहीं रहा था। पर जब मैंने वो उसको सोच के कि छोड़ो, कोई दोस्त नहीं मिल रहा, फिर मैंने कोशिश की क्योंकि कुछ ना कुछ तो बने फेस। तो मेरे को जैसे यहाँ पे दो आंखें, ये दो बनती हुई दिखी, ये जो इसकी है, और ये पूरा मुँह। माता की पूजा करने वाले देवी को ही मार डालते हैं, शनि से नजर मिलाते नहीं। दिस इज अ सुपरस्टिशन कि जो शनि देव हैं उनकी नजर में देखा नहीं जाता, उनकी आईज में देखा नहीं जाता। राइट, आई हैव अ बिलीव, शनि भगवान जी क्या है, जस्टिस भगवान जी हैं, तो आई हैव अ फर्म बिलीव कि जो गलत काम करेगा शनि भगवान जी उसको देख कर ही मार डालते हैं। शनि से नजर मिलाते नहीं, डर डर कर सब ये बोलते हैं, अरे नजर नीची का क्या फायदा, तुम्हारे कर्म और भी नीचे हैं, और उसके माता पिता किसी को नहीं छोड़ोगे। लेकिन कौन रोक सकता है देवी को प्रकट होने से, काली शक्ल वाली तो आएगी, हर एक लड़की इसको पढ़ने वाली काले दिलों को भस्म कर जाएगी वो, हाँ काले दिलों को भस्म कर जाएगी वो, काली शक्ल और साफ दिल वाली जाग आएगी। प्रेज नहीं करते, हम निंदा करने शुरू करते हैं, और उसी के लिए थिएटर अच्छा होने के बावजूद भी वो फंस रहा है कहीं, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। हम किसी को अच्छे सराहते नहीं है, हम इमीडिएट शुरू कर देते। लेकिन एक बात है, क्या है, जो अच्छा ही है वो अच्छा ही है, बुराई है वो बुराई है, लेकिन हम सिर्फ बुराई को, और अच्छा थिएटर जो है, आप ग्लैड इफ यू कम टू मुंबई एंड वॉच माय प्ले, जिसके लिए मुझे कल एक अवार्ड मिला, वो ऐसे इसी कंपटीशन में किया था। क्योंकि वो भगवान के रूप में इस्टेब्लिश हो चुके हैं, बुद्ध भगवान आपको भैया विश्वास नहीं होगा, हम तो 30 सेकंड 25 सेकंड तक केवल मोमेंट दिखाए, गांधी जी से गुजरते हैं या जिस मनोवृत्ति से गुजरते हैं वो उनके अंदर की वासना है, कस्तूर के बदन की उनको काम वासना है, जो दोनों एक दूसरे से गुजरते हैं। कस्तूर जो है वो बिल्कुल वैष्णव धर्म में पली बढ़ी महिला, इश्क दी पाई, तोता मैना मार गवाई, अंदर बाहर कोई सफाई,
ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ ਯਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਔਰ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਮਿਟਣ ਲਈ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ पीस है और बहुत इच्छा थी बहुत समय जब पहले पढ़ा था कभी 19-20 साल की उम्र में जब थिएटर चालू किया था तब इस नाटक के बारे में सुना था जब पढ़ा तब तो खास कुछ समझ भी नहीं आया था अभी भी उसके साथ जूझ रहे हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो बस जो समझ में आया उसको कहने की कोशिश की है तो राइटर को सलाम बीवी कारंत जिन्होंने इसका अनुवाद किया है उनको सलाम कितना ज़बरदस्त अनुवाद उन्होंने किया है और आई एम हैप्पी कि इतनी अच्छी टीम हमारे को मिली है बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं तो थिएटर तो उन्हीं की वजह से तो बस उसके लिए उनको श्रेय नमस्कार सबसे पहले तो TFT को थैंक यू कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम तुगलक जैसा नाटक यहाँ कर पाएँ सबसे पहले मैं TFT के बारे में बोलना चाहूँगा कि उनका मैनेजमेंट इतना अच्छा था उन्होंने जिस तरह से हमें हेल्प करी जब हमें टेक्न चाहिए था या जब हमें स्टेज पे कुछ भी चाहिए था बस एक बार आपको उनके पास जाके बोलना था और देवर ऑल ऑन देयर टोज ऑन देयर फीट तुरंत और चंडीगढ़ की ऑडियंस येस इट वॉज एन अमेजिंग ऑडियंस सो थैंक यू सो मच TFT फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी
मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तुगलक, खास करके जिसने तुगलक रोल किया, जिसने तुगलक को निभाया, उसके जी करेक्टर को जिया, बाकमार। मैंने जो तुगलक नाटक था इसके मेन स्क्रिप्ट के बारे में तो पता था, लेकिन इतने डिटेल में नाटक ने ये क्या मैसेज देने की कोशिश की है, यही मैं देखने के लिए आज आया था परिवार।